अब हम क्या कर रहे थे, पूर्णांक के प्रांतों क्षेत्र का अभिलक्षण है, क्षेत्र का अभिलक्षण वो डिफाइन कर रहे थे। ये कैसे डिफाइन होगा, किसी पूर्णांक के प्रांत आई से डिनोट किया जाए या क्षेत्र जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा पूर्णांक एन है जिसके लिए यदि इस एन को जो आपका ये मल्टीप्लिकेशन सेकंड ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में हम गुणा करें तो हमारे पास में क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ऐसा एन क्या कहलाता है, आपका इंटीग्रल डोमेन और फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे वन क्या है, आई या एफ का गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अव्यय है। ठीक है, आप उससे भी डिफाइन कर सकते हो, जो पहले डेफिनेशन दे रखे हैं वो तो जनरल सभी के लिए है, और कैरेक्टरिस्टिक आप अलग से डिफाइन करना चाहो किसी भी पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र की, तो हम इस तरीके से करेंगे, ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसको गुणन संक्रिया के तस्मक अव्यय से गुणा करें तो हमारे पास में क्या है, जीरो आए। यहाँ पे ये जीरो क्या है, ये प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी यानी तस्मक अव्यय है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यदि ऐसा एन विद्यमान नहीं है तो हम क्या कहेंगे, पूर्णांक के क्षेत्र और पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र का अभिलक्षण क्या हो जाएगा, या तो शून्य होगा या फिर अनंत होगा। अब जैसे जेड सेवन प्लस सेवन एडिशन मॉडुलो सेवन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सेवन, ये आपका क्या है, ये पूर्णांक के प्रांत है। ठीक है, पूर्णांक के प्रांत है तो इसका अभिलक्षण क्या होगा, अब देखो पूर्णांक के प्रांत है तो ये जीरो आ जाना चाहिए, ऐसा एन जिससे क्या करें कि एक को गुणा करें और फिर सात का भाग दें, इसका मतलब क्या है, एन डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय वन और डिवाइडेड बाय सेवन, सबसे छोटे से छोटा, तो सबसे छोटा एन कौन सा होगा, सात होगा, सात को यदि एक से गुणा किया आपने और सात का भाग दिया तो रिमाइंडर शेषफल जीरो है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ सेवन आ गई। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम इसकी थ्योरम्स करेंगे। जैसे Q प्लस डॉट है, ये आपकी क्या है, क्षेत्र है, क्योंकि हर नॉन जीरो एलिमेंट का आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसमें देखो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट गुणा के रेस्पेक्ट में क्या है, वन है, तो ऐसा कौन सा एन होगा जिससे एक को गुणा करें कि हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी यानी योजक तस्मक अव्यय आ जाए, तो ऐसा एन है क्या, कोई भी रेशनल नंबर है क्या, सॉरी कोई भी ऐसा ये इंटीजर है क्या जिससे कि वन को गुणा करें कि जीरो आ जाए, तो या तो जीरो है, जीरो से गुणा करोगे वन को तो ही जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, इसका मतलब ऐसे एन का धनात्मक पूर्णांक का क्या है, विद्यमान नहीं है ऐसा एन, तो इसका मतलब क्यू का जो अभिलक्षण है वो क्या हो गया, यदि विद्यमान नहीं होता तो क्या होता है, शून्य या फिर क्या रहा, शून्य या अनंत है, क्योंकि ऐसे धनात्मक पूर्णांक विद्यमान ही नहीं है। सिमिलरली हम R प्लस डॉट ये वाले लिया, ये क्षेत्र है, ठीक है, तो क्षेत्र है तो इसमें भी डॉट है, तो गुणा के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट वन रहा, तो ऐसा छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जिस
जिसको 1 से गुणा करें ताकि हमारा 0 आ जाए। तो कोई भी आपके पास में क्या है, रियल नंबर ऐसा नहीं है जिससे कि 1 को 1 से गुणा किया जाए तो 0 बन जाए, सिर्फ 0 ही है ऐसा। तो 0 को हम उसमें कंसिडर नहीं करें, धनात्मक पूर्णांक चाहिए हमें पॉजिटिव। तो इसका मतलब ऐसे एन का अस्तित्व नहीं है, दिस इंप्लाइज आर का अभिलक्षण क्या हो जाएगा, शून्य या अनंत, अनंत अनंत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी 2 थ्योरम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद में आपका क्या रहेगा, आपके सबरिंग फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ये रहेगा, आपकी यूनिट 3 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ओके।